अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं? जिन्होंने तो लास्ट व्लॉग देखा होगा ना, उनको तो पता होगा कि क्या सीन बना हुआ है अफसा के साथ। बस उसने एक उल्टा काम कर लिया, उसकी वजह से जो है ना अभी तक सही बात है टेंशन बनी पड़ी है, बल्कि अब्दुल्ला अंदर हो रहा है। मैंने भी ये सोचा है कि काफ़ी देर हो गई है हम लोग रूम में बैठे हुए हैं, तो अभी इसका ये करते हैं कि पहले मैं जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर ब्लैंकेट वगैरह सेट कर देता हूँ, अफसा को जो है ना बाहर ला कर बिठाता हूँ, फिर अंदर से कुछ करते हैं। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही अब करें क्या, ना खाना बनाने वाला कोई सीन है। खाने का तो चलो ये है कि मैं चिकन निकालूंगा, मुझे कढ़ाई बनानी आती है मैं वही बना दूंगा, या कुछ और भी बनाना हुआ तो अफसा से मैं पूछ के बना लूंगा। बहरहाल अब्दुल्ला का डायपर चेंज करना, ये वो सारे काम जितने हैं सही बात है मेरे ऊपर आए पड़े, क्योंकि उसकी कमर अक्सा की हील ही नहीं रही, इतना बुरा उसको झटका लगा है ना। मेरे ख्याल से उसको थोड़ी देर तक जो है ना कुछ टकोर वगैरह करनी पड़ेगी, या तो रेत लेके आऊँगा या देखता हूँ क्या करना, बहरहाल अभी मुझे नहीं पता। डॉक्टर के पास आयशा, इसके पास ये जो हुआ है मामा को, उस डॉक्टर के पास जाने का फ़ायदा ही नहीं है ना। या तो मामा गिरी होती ना फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, तो फिर तो ये होना है चलो एक्सरे वगैरह करवाना था। ये मुझे तब से कही जा रही मामा को डॉक्टर के पास लेके जाए, इससे भी नहीं देखा जा रहा है इस तरह मामा को। क्या हुआ मामा को? आपको भी लगी हुई है, मैंने बताया पहले भी। बहरहाल जल्दी जल्दी ये नीट करते हैं, फिर अक्सा को बाहर लेके आते हैं। जो ऐशा जल्दी जल्दी हम ये नीट करते हैं यहाँ से, ठीक है? और फिर मामा को लेके आते हैं। आपको टॉयलेट उठा के अंदर रखो अपने, जल्दी करो, ये पकड़ो, ये ट्रक पकड़ो अपना, उसको अंदर रखो। फिर मामा को बाहर लेके आते हैं, बाइक पर लेके आते हैं। अब्दुल्ला ने अंदर अक्सा को तंग किया पड़ा है, अक्सा तो उठाया नहीं जा रहा, बस ये है कि अक्सा कह रही है इसको बाहर ले जाए, इसने नीचे गिर जाना है। अगर आप लोग मेरी बात आ रही हो तो क्या, और दूसरा मैंने आप लोगों को एक और चीज बतानी थी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आयशा ने अपना ब्लॉग खुद बनाया है। अगर आप लोगों ने अगर क्या आप लोग जाकर देखें, अगर आप लोगों को मजा ना आया, आयशा बताओ क्या किया आप लोग ब्लॉग में? इधर 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 आगे बताओ ना सामने, इधर आगे बताओ क्या किया ब्लॉग में? ब्लॉग बनाया, उस पर भी पता नहीं क्या क्या करती थी। आप लोग मेरे बारे में जाके जरूर देखना है, अक्सर तो लेटी हुई थी, अब्दुल्ला सोया हुआ था, मैंने कहा जाके आयशा का जो है ना फर्स्ट ब्लॉग बनाते हैं। और मैंने ये साथ में आयशा ने माशाल्लाह खुद ही अपना सारा ब्लॉग पहले बना लिया हुआ था। बना लेती हूँ आप ब्लॉग खुद, बहुत अच्छी बच्ची है अच्छा आयशा, ब्लॉग बना लेती है। इसकी कमर का मसला नहीं है, ये वैसे ही चल रहा अभी। अब्दुल्ला अब्दुल्ला के ना जाना आप, एक तो ये बच्चा जो है ना सही बात है ब्लैंकेट सारी हर चीजें इकट्ठी कर देता है। इसको उठा के सही बात है मेरा सांस फूल गया, अपनी मेरी कमर के साथ बल्कि वजन बड़ा पड़ा, उठाओ मिले तो कोर तो करनी पड़नी है सारी बात है इस तरीके साथ में गर्म करके के रेत ढूंढ के लाऊं बाहर से, बाहर से मिल तो जाएगी। बैरिया टाउन में किसी सिक्योरिटी गार्ड ने फाड़ लिया तो छापा पा छड़ना, पता कोई नहीं ना अलीपुर वाला हो साइड, तो वो उधर तो कोई मसला नहीं, बंदा कहीं से रेत उठा के ले आए या दुकान से ले आए। अब इस टाइम मैं दुकान पे भी किधर जाऊँ, दुकानें भी इतनी दूर होनी है रेत वाली, मुझे पता भी कोई नहीं है, और अगर बाहर किसी की पड़ी है तो दिल करे वो आकर मैंने फाड़ लें तो नवा छापा पे आओगे, चाहे छापा एक ही लेना है। स्त्री के साथ ठीक नहीं हो जाएगी? स्त्री गर्म करके ना दूसरी स्त्री की तरह, ये स्टीम वाली नहीं दूसरी की तरह। हाँ वो दूसरी स्त्री किधर है? हाँ वो स्त्री निकाल के ना, अभी आप बैठे ना थोड़ी देर, मैं जरा अंदर से रूम शूम नीट कर लूँ तो फिर कर देता हूँ, ठीक है? यार मेरा नहीं है रूम नीट करने का दिल कर रहा, अभी फिर थोड़ी देर बाद अंदर चले जाना, पढ़ा अंदर इधर ही है पक्की बात है, फिर पता तू होती तेरे। आयशा आ जाओ हम बाहर चलते हैं इधर रूम में से, आ जाओ बाहर, आ जाओ आप इधर, हम रूम में से बाहर चलते हैं, बाहर जाके बैठते हैं। वैसे रूम का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, नीचे से भी जो है ना रूम घर का झाड़ू भी लगने वाला होगा। इसका डायपर जब चेंज करना हो बता देना पहले ही मुझे, ये ना लीक हो जाए तो ना डायपर के कपड़े भी बदलने पैन। फैन चला दो आयशा, साथ साथ अक्सर से पूछी जा रही है आप ठीक है, पूछो मामा से। नहीं ठीक, मुझे पता है क्या कह रही है यहाँ पे, मामा को डॉक्टर के पास लेके जाएं। मैंने बताया कि अगर अल्लाह ना करे कुछ और मसला गिरी होती तो फिर तो ये अब डॉक्टर के पास जाके भी कोई नहीं, खिंच पड़ी है सारी बात है, चुप कोई पड़ गई होनी है। वो ही ना, तू तो सीढ़ियाँ भी नहीं ले सकती, अरे जो तो भी आपकी हालत है
वो इन्हें सीढ़ी भी नहीं हम उतर सकते। किचन भी हमारा सुबह का इसी तरह का खुला पड़ा हुआ है आप लोगों के सामने। बरल ये सामान वगैरह हम लोग रखते हैं किचन से उठा के, शेल्फ बड़ी गंदी लग रही है क्योंकि इसको भी देख देख के नक्शा को एवं टेंशन होती रहनी। रस फ्रिज में रख दूँ, मेरे रस हमारे गए फ्रिज में। और ये जो कप शप पड़े हैं, भांडे शांडे भी आज मेरे ख्याल से तो मेरे ही सीन बनना है, मुझे ही धोने पड़ने हैं। इनके अंदर थोड़ा पानी डाल लेते हैं, आज घर के काम करते हैं सारे। वैसे मेरा ये नहीं है कि मेरा कोई पहले से मतलब एक्सपीरियंस नहीं, एक साल के साथ आप लोगों को पता मैं हल्के फुल्के काम शाम जो है ना वो करवाते ही रहता हूँ। बहरहाल किचन मुझे ही बड़ा अजीब लग रहा था इस टाइम ना इस तरह पड़ा हुआ, तो किचन के अंदर सारा सामान उठा के कप के अंदर पानी डाल देते हैं। वो ये ब्रेड वगैरह भी संभाल के सारे रख देते हैं। मेरे बच्चे ने मामा को पानी दिया है, अक्सर पी लिया हमें पानी। चलो गिलास वापस रख दो आप उठा के, इसके डायपर भी खुला का देख लो। आज डायपर ना बहुत गंदा करी बार बार, एक तो इन्हें मोबाइल फटना चाह जोड़ा है ना ये नहीं खत्म होता। इसका दिल होता है भाई 24 घंटे मेरे पास जो है ना मोबाइल पकड़ के रखूँ मैं। कोको मेलन लगा दूँ, वो देखो मैं कोको मेलन मामा का। मामा तो मामा है। आज भाई साहब का डायपर मैं चेंज कर रहा हूँ, भाई साहब को दूध भी बना के दिया है, ये ब्लॉग भी बनेगा और साथ साथ डायपर बंद। ये तो नहीं हो रहा बंद अब्दुल्ला, ये क्या आ गया अब्दुल्ला के मुंह पे। इस बंदे ने ना डायपर चेंज करते करते सारा डायपर लीक कर दिया, यही किया था ना। शुक्र अभी बच बचा हो गया, छोटी सी पजामी सारी खराब हो गई थी। आज रोटी भी जो है ना मुझे बाहर से ऑर्डर करके मंगवानी पड़नी, कितनी मंगवा लूँ अक्सा आपने भी तो खानी है। बोला वो डर गया मेरे ख्याल से। चलो मैं यहाँ से फिर ऑर्डर करके मंगवा लेता हूँ रोटी, बाकी मैं चिकन कढ़ाई जो है ना वो बनाने लगा हूँ। सही बात मैं आप लोगों को बताऊँ, अक्सा को देख देख के ना मेरी एनर्जी ऐसे खत्म हुई पड़ी। आप लोग भी आज सोच रहे होंगे पता नहीं इनू की होया, इनको ढिला है। सारी बात है घर में किसी एक बंदे की तबीयत खराब हुई हो ना दूसरे बंदे का कुछ बोलने का दिल ही नहीं करता। बाकी रोटी अभी मैंने ऑर्डर की है, वो फूड पांडा वाला अभी आता है, उसने तक मैं इस तरह करता हूँ कि चिकन कढ़ाई जल्दी जल्दी रेडी कर लेता हूँ। चिकन का हमारा आज लास्ट शॉपर रह गया बेगम, लास्ट शॉपर रह गया, कल परसों जाके चिकन भी लेके आएंगे। नहीं भाज ना क्यों होंगे, कितने जाने भज के। चलो कुछ नहीं, अभी ना मुझे आवाज़ आई आयशा ने अक्सा कह रही कि चुप कर जाए चुप कर जाए, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो अक्सा पहले ही रो रही थी। इसको देख के जो है ना मुझे भी इस तरह हो गया। सही बात है, क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो टिश्यू ले लो। कुछ नहीं होता यार, हो जाएंगी ठीक, एक आधा दिन लगेगा हो जाएंगी ठीक। वो देखिए आयशा भी आपको सुन रही है। मेरे लिए काम मुश्किल है, मैंने आपको कुछ कहा है मुझे, मतलब मैंने आपको कहीं 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 कहा है मुझे ये बताएं। मैंने भी आंखों में आंसू आ गए इसको देख के, मैंने आपको कहा है कहीं? तो फिर जब मेरे लिए मुश्किल कोई नहीं, चलो कुछ नहीं होता। पहले ही मैं चिकन कढ़ाई बना रहा हूँ, मैं कौन सा बड़ा काम कर रहा हूँ या तो मुझे मुश्किल काम कर रहा हूँ। हो जाएंगे इंशाल्लाह एक आधे दिन में ठीक है, कुछ नहीं होता। चल चुप कर, मामा को चुप करवा इधर आयशा, चुप कर टिशू की तरह। मामा को चुप ही नहीं करवा रही आप, अच्छी बंदी हो। इसी की मुझे आवाज़ आई है, वहाँ से कह रही है मामा चुप करें, मामा चुप। मैं कहीं पता नहीं क्यों आया, आके देखा तो जनाब यहाँ पर रो रही है। और नहीं टेंशन लेते, कुछ नहीं होता। मामा कोई पापा मार रहे हैं बाबा। हैं? मैं कब मार रहा हूँ मुझे बताओ। मामा नहीं मार रहे बाबा। बाबा तो आपको प्यार करते हैं। हाँ समझा रही है मामा। देखिए आयशा आपको प्यार करती है, आप मैं भी रोई जा रही हैं। आयशा तुम मामा के पास ना, मामा को पेन होने लग पड़ेगी मामा। हाँ चल चुप कर जा, मैं बना लूँगा कढ़ाई या साड़ दूँगा उन्होंने चिकन नू। बनाऊँगे नहीं अब बताएं, चुप कर जा, दोबारा ना होना मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं बेगम आज ना पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा वो मैं अपनी मकैनिकियाँ कर रहा था ना, आग निकालने की कोशिश कर रहा था, तो वो टमाटर मेरे ख्याल से जो है ना वो थोड़े ज़्यादा रेड हो गए हुए हैं। थोड़ा सा ये वाला सीन बना है, बाकी वैसे अच्छी बनी होगी, टेस्ट आप चेक कर लेना। चिली अक्सर ने मुझे बताई थी कि इतनी इतनी डाल दी, उस हिसाब से मैंने अंदर डाल तो दी है, बाद में चेक की थी मुझे ठीक लग रही थी। और खाना भी मुझे लगता है आज दूसरी तरह लगाना पड़ेगा। अब्दुल्ला फिर किधर बिठाऊँगा मैं, वैसे तो इस तरह ही बेहतर रहेगा आपके लिए। यहाँ पर चलो ऐसे ठीक है, सही है।